हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और बागों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की बीमारियों, जैसे कि सुंडी, मच्छर, माल का काला होना, आम का काला होना, अनेकों तरह की जितनी भी बात बीमारी होती है, चाहे जड़ से रिलेटेड बीमारी हो या पत्तों से रिलेटेड हो, टहनी से पेड़ सूख रहा हो, सभी तरह की बीमारियों की जानकारी या फिर उनके लिए दवाई आपके लिए मैं YouTube पर लेकर आता हूँ। अभी मैं अपने बाग में स्प्रे करा रहा हूँ, सोचा कि आप दोस्तों के लिए वीडियो बना लूँ। ये देखिए पीछे टैंकर चल रहा है मेरे, स्प्रे हो रहा है बाग में, आम के बाग में ये दवाई। चलिए ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं इन दवाइयों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साइपरमेथ्रिन, जिसे हम साइपर 25 के नाम से जानते हैं। चैलेंजर 25 के नाम का प्रोडक्ट है, इंसेक्टिसाइड है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये 980 रुपये इसकी कीमत है, ये मुझे मिला है 500 रुपये का। इसे मैं कल ही मार्केट से ख़रीद कर लाया हूँ, इसे पहले भी मैंने स्प्रे किया है, इसका अच्छा रिजल्ट है। आम आए हुए होते हैं उस टाइम मारना ही सही रहता है, लैम्डा होता है इंसेक्टिसाइड लैम्डामाइसिन, उसे मारना इस टाइम सही नहीं रहता। तो जो बाग के डॉक्टर वगैरह रहते हैं और मेरा खुद का तजर्बा यही है, उस टाइम साइपर 25 या साइपर 5% आप मार सकते हैं। मैं एक दवाई तो ये लगा रहा हूँ आज अपने टैंकर में। दूसरी दवाई की बात करता हूँ मैं, दूसरी दवाई है हमारी तूफ़ान। ये तूफ़ान 1 लीटर की पैकिंग में है, BPMC तूफ़ान, BPMC या काली आंधी से कई सारे नाम होते हैं, ये भी इंसेक्टिसाइड है। मैं इस टाइम अपने बाग में सुंडी और मच्छर से परेशान हूँ, सुंडी ज़्यादा है, ज़मीन पर बिछी पड़ी है सुंडी दोस्तों। ये पारस क्रॉप लिमिटेड का प्रोडक्ट है, आधे लीटर में इसकी पैकिंग है, 460 रुपये इस पर MRP है। 1 लीटर की पैकिंग है, ये दूसरी पैकिंग 1 लीटर की है, इसकी 910 रुपये, आप देख सकते हैं 910 रुपये इसका MRP, ये मुझे 500 रुपये का मिला है। इसकी मैं पौन लीटर इसकी मैं मात्रा रखूँगा एक टैंकर में, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख सकता, इस टाइम आम को नुकसान पहुँचा सकती है। उसी के साथ एक इंसेक्टिसाइड और भी है, जिसका नाम है, आप अमीडा के नाम से जानते हो, लमीडा क्लोप्रोराइड 70% WG मोती इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये मुझे 900 रुपये किलो मिला है, 900 रुपये किलो, इसमें मच्छर के अंडे जैसा रहता है, इसे आपको बाल्टी में घोलने के बाद टैंकर में मिला देना है और उसके बाद स्प्रे करना है। चौथा प्रोडक्ट मेरा जो टैंकर में मैं डाल रहा हूँ वो है पाउडर WCTT का, ये पाउडर है, मच्छर के लिए अच्छा काम करता है, अगर आप डालोगे तो ये भी अच्छा रहेगा। चौथा प्रोडक्ट मेरा ये हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं अपने टैंकर में ये सारे के सारे फ़िलहाल डाल रहा हूँ। ये BPMC हो गई, काली आंधी हो गई, ये तूफ़ान हो गया, साइपरमेथ्रिन चैलेंजर हो गया, ये WT हो गया, ये अमीडा हो गई टैंक। अभी हाल फिलहाल में इसका रिजल्ट अच्छा है, मैंने 1 घंटा पहले ही से स्प्रे करना शुरू किया था और सुंडी नीचे आनी शुरू हो गई है, दिखा सकता हूँ मैं आपको उसका रिजल्ट भी दोस्तों। ये देखिए टैंकर चल रहा है, आम भी लग रहे हैं बाग में, ऐसी बात नहीं है, लग रहे हैं दोस्तों। ये देखिए सुंडी ने पत्ते तो पत्ते आम भी खाने शुरू कर दिए हैं, एक आम ये रहा, दूसरा आम ये रहा, कौन सा आम मैं आपको दिखाऊं, कोई सा भी आम आप चेक कर लीजिए, सुंडी ने इतना बुरा हाल कर रखा है फिलहाल बाग के अंदर, कोई सा भी आम उठा लीजिए आप, ये देखिए कोई सा भी आप आम उठा लीजिए, आपको सुंडी दिखाई देगी उसमें, वो सामने ले लीजिए, जितने भी आम ऐसे पड़े हुए हैं सामने मेरा कट्टा भरा हुआ रखा है, आंधी चली थी, आम काफ़ी हो गए थे, तो ये शाम को मार्केट में भी जाना है, बिकना भी है। ये पाइपलाइन का यू बनवा रखा है, ये ड्रेवरी बार ओपन ड्रेवरी है, इसे आप इधर से इधर कहीं भी लगा सकते हो। चलते हैं स्प्रे दिखाता हूँ आपको बाग में जो स्प्रे हो रहा है। बाग का माहौल देखिए आप, कितना ठंडा, ज़बरदस्त, चरपाई डालो तो नींद आ जाए। दो कट्टे ये रखे हुए हैं दोस्तों मेरे आम के, ये भी अंधी आई थी उसमें गिर गया था माल, तो मार्केट में सस्ता था तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के बाद बेच लूँगा, पता चला कि आज भी 60 रुपये कट्टा है। दो कट्टे ये पड़े हुए हैं इधर सामने, चचा धुलाई कर रहे हैं बाग की, धुलाई चल रही है, चचा धुलाई कर रहे हैं हमारा। चचा कैसा रिजल्ट रहेगा इसका सुंडी पे माल का? बढ़िया रिजल्ट रहेगा। ये देखो दोस्तों आम लग रहे हैं, चल रहा है स्प्रे दबा के, उन्हीं सभी दवाइयों का स्प्रे है जो मैंने आपको अभी वहाँ दिखाई थी ट्रैक्टर के पास। ये चाचा लोचा का टैंकर है, चल रहा है अभी स्प्रे चल रहा है बाग में, गाने इसमें बज रहे हैं, हर टाइम गाने बजते रहते हैं, आपको भी इसके गानों की आवाज़ सुनाई देता हूँ आज।
स्प्रे चल रहा है दोस्तों। ये मेरी दवाई की पेटी आ गई और अब दवाई की पेटी आने के बाद ये सब इधर अपना ही बाग है, बाया पड़ा है जो बिना बाया है, सब में स्प्रे लगते हैं। 10 से 12 टैंकर का खर्चा आ जाता है हर बार का। आम आपको अब बार ऊपर शायद दिख रहे हों, देखने कोशिश करना, आम तो दिख रहे होंगे लेकिन कम है, इतना माल नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है, इसी में बरकत होगी इंशाल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को कैसे कैसे लगानी है मैंने आपको बता दिया है, इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई भी बाग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए किसी बीमारी की, न्यू प्लांटेशन ऑफ मैंगो ट्री कोई भी हो, किसी भी तरह के आम के पौधे को लगाने की जानकारी, पॉपुलर की नर्सरी तैयार करने, कोई भी चीज़ हो, जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, शब्बा खैर। और टैंकर ख़त्म हो गया है, ट्रैक्टर की बदल गई आवाज़, इसलिए बंद करता हूँ, वीडियो करता हूँ ख़त्म। खुदा हाफिज़ दोस्तों, शब्बा खैर, गुड बाय।